देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। बुधवार को भोपाल पुलिस हुआ इंदौर एटीएस से हनी ट्रैप से जुड़े मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल से 3 लड़कियों सहित एक युवक और इंदौर से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन लड़कियों द्वारा हाई प्रोफाइल लोगों सहित इंदौर के एक प्रभावशील व्यक्ति का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। खुफिया व पुलिस एजेंसी द्वारा लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर लड़कियों को गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक की सांसें फूल गई हैं। तो इस व्यक्ति की खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां हनी ट्रैप से जुड़े मामले को लेकर भोपाल व इंदौर से 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एटीएस व पुलिस ने 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह अश्लील वीडियो बनाकर इंदौर के एक प्रभावशाली व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही थी। इंदौर एटीएस के इनपुट के आधार पर बुधवार को अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़कियों कई नेताओं और अफसरों को ब्लैकमेल कर रही थी। इन्होंने कई हाई प्रोफाइल लोगों को फोन कर धमकाया था, जबकि भोपाल में नेताओं और अफसरों को अपना शिकार बना चुकी हैं। अब इंटेलिजेंस पुलिस हनी ट्रैप के रैकेट को खंगाल रही है। इधर सूत्र बता रहे हैं कि जिन युवतियों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से एक युवती वही बताई जा रही है जिसका वीडियो एक IAS अधिकारी के साथ वायरल हुआ था। इन लड़कियों का राजनीतिक गलियारों में रसूख बताया जा रहा है। सूत्रों ने दावा किया है कि पूर्व मंत्री के बंगले सहित रिवेरा टाउन व मिनाल से 3 लड़कियों को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। कोई भी मामला हम जो है डिस्क्लोज डायरेक्टली नहीं करते। तो फिर 4 लोगों को डिटेन क्या रीजन से किया? बेसिकली हम जो है एक दूसरी एजेंसी का मैटर है, वो आके हमारे साथ जो है हमारे कोऑर्डिनेशन में, भोपाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ काम कर रही है, तो वो अपने लेवल पे पूछताछ कर रही है। दे थिंक आर सर कि ईडी इसमें इन्वॉल्व है, एटीएस इसमें इन्वॉल्व है, एसटीएफ इसमें इन्वॉल्व है, क्या तीनों एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है? कोई भी एजेंसी का डायरेक्टली नाम नहीं ले रहे हैं। जल्द से जल्द जो है जो भी एजेंसी कंसर्न होगी अगले 1-2 घंटे में आपको। चलिए इंडिविजुअल एजेंसीज के मत बताइए, सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है क्या इसमें? स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व है। सर कितने लोग हैं टोटल ये लोग? अभी बेसिकली हमने जो है 3-4 लोगों को डिटेन किया है। कुछ डिटेन नहीं, एक तरह से हमने पूछताछ ही हम कर रहे हैं। कितनी महिला कितने पुरुष? मैं हम वैसा कोई भी इन्फॉर्मेशन ये तो फिगर तो बता सर। पुरुष हम पुरुष से पूछताछ बेसिकली हम पूछताछ अभी कर रहे हैं, जो भी आगे होगा आपको 1-2 घंटे में ब्रीफिंग सर। किस आधार पर पूछताछ कर रहे हैं सर? किस आधार पर? किस कुछ वजह तो होगी सर, एक वजह बताइए। बेसिकली जो है कुछ एक्विजिशंस आए हैं, और एक्विजिशंस आए हैं और उस आधार पे जो है हो रही है। दोनों जो है फाइनेंशियल लेवल पे भी चल रहा है, और साथ ही साथ जो है उनके इन्वॉल्वमेंट किन किन लोगों से वो भी पता चल रहा है। इसमें सरकार का कोई मामला नहीं, लेकिन पुलिस ने इस तरह पकड़ा है, अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तो कोई भी ब्लैकमेलर हो छोड़ा नहीं जाएगा। सर जो लोग ट्रैप हुए हैं वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं? मैं कह रहा हूँ ना, कोई पार्टी का हो, अगर कोई ब्लैकमेलिंग का मामला है, पुलिस के संज्ञान में मामले इंदौर के हैं। कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े लोग बताए? नहीं, कोई कांग्रेस आईटी सेल वर्ष कोई नहीं।